वैसे तो उत्तराखंड अपने प्राकृतिक सौंदर्य और पहाड़ी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोग, यहाँ का कल्चर और यहाँ के धार्मिक स्थल दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। हर साल लाखों सैलानी उत्तराखंड के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने आते हैं, पर क्या ऐसा हमेशा के लिए होने वाला है? आइए आपको मिलाते हैं एक और उत्तराखंड से। और प्रदेशों की तरह उत्तराखंड के लोगों में भी आधुनिक बनने की होड़ लगी हुई है। इसी होड़ में यहाँ के लोग अपने साथ साथ पूरे मानव जीवन के प्रति भी लापरवाह होते जा रहे हैं। इसी लापरवाही का सबसे बड़ा उदाहरण है आग की तरह तेजी से बढ़ता हुआ प्रदूषण। प्रदूषण के कई कारण हैं। मुख्यतः ये कारण पहाड़ों में दिन प्रतिदिन घरों से निकलता हुआ कूड़ा, जिसमें प्लास्टिक और पॉलीथीन की मात्रा बहुत ही अधिक होती है। सिर्फ घरेलू कचरा ही नहीं, बाहर से आने वाले पर्यटकों का मौज मस्ती के दौरान कचरा फैलाना, सरकार के द्वारा जरूरत जितने सफाई कर्मियों को काम पर ना रखना, ये सभी बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण हैं। इसी बीच उत्तराखंड में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो उत्तराखंड की प्रतिष्ठा को बचाने में लगे हुए हैं। आइए आपको मिलाते हैं उत्तराखंड के वेस्ट वॉरियर्स। आप बेचूचल चीज डालते हैं, हम भी इंसान हैं, लेकिन उस चीज ध्यान दे। हाँ, यहाँ पे जो प्रदूषण बढ़ता कहा से, कि जो गंदगी चीज है, ये नहीं हम जो चीज जो हम इतना बचाव करें कहाँ तक करें। ये बच्चे भी, सुनो, बच्चे भी मरे हुए डाल देते हैं बुरी में। अच्छा अच्छा अच्छा, है ना, मरे हुए जानवर भी, नहीं आदमी भी, जानवर भी, सब कुछ बोरी में डाल के, या सांप सुप है मुँह बांध दे सांप डाल देंगे। अब हम तो छाट रहे हैं, उसमें आता है लेटिंग का हर चीज का, लेकिन कौन छूटता भाई? नाली से खुला पड़ा, आगे नाली से खुला पड़ा है, तो कहाँ पानी जा रहा है? कोई नदी में जा रहा है, तो क्या उसकी उतनी बनेगी? बताइए, जब गंगा जब पूरे गंदा है, तो फिर भी कैसी माया की सब सफाई हो ही रहा है? पहले हमारे मतलब रेड़े चलते थे, ठेले चलते थे, उनमें लोगों को सुविधा काफी थी, और अब ऐसे लोगों की मतलब पहुँच गया है। तो इसलिए अब नौकरियों वाले हैं लोग, कोई 4 बजे जा रहा है, कोई 2 बजे निकल जाता है, तो लोगों के घर घरों में रह जाता है। तो ऐसा है कि मतलब इस चीज को दुरुपयोग न करें। मतलब ये सब्जी हुई, रोटी हुई, इसमें जो है गैस बनती है, ये गैस इस्तेमाल हो सकती है, आप खाना बनाओ या कुछ भी कर लो, तो इसके लिए इसमें हम इसको इस्तेमाल हम ठीक हम छोड़ रहे काम को, अभी ताला लग जाएगा इसमें, इतनी गंद फैल जाएगी कि क्या यहाँ पर कोई कीड़े से लेकर हर चीज पे हो गए। हम लोग थोड़ा बहुत सफाई भी हर चीज का, पानी का बंदर, बोरी का बंदर, कंचे का, जूता का, सब झाड़ू पालू सब इकट्ठा करते हैं, क्यों करते हैं कि गंद न मर जाए? अलग अलग आएंगे, कोई लोग ऐसे नहीं जो पढ़े लिखा नहीं है। लो जी, बड़े बड़े गठरे गंदा पंदा लोग, है ना? ठीक है, आप लोग आपको बता दें कि 2018 जनवरी में पूछे गए एक क्वेश्चन के जवाब में मार्च 8 2018 को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड अर्बन अफेयर्स ने संसद में ये बताया कि उत्तराखंड हर रोज लगभग 1406 टन सॉलिड वेस्ट बनाता है, लेकिन उसका प्रोसेसिंग रेट है केवल 0%, जो कि बहुत ही दुखद है। आपको यह बात जानकर के बहुत ही दुख होगा कि भारत में सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग के मामले में उत्तराखंड को सबसे खराब राज्यों में गिना जाता है, जबकि उत्तराखंड का ही पड़ोसी पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश रोज मात्र 342 टन सॉलिड वेस्ट उत्पन्न करता है, जिसका 20% सॉलिड वेस्ट वह प्रोसेस भी कर देता है। इन्हीं सभी कारणों की वजह से नदियों का पानी प्रदूषित हो रहा है तथा राज्य में तापमान बढ़ने वाली गंभीर समस्या पैदा हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब उत्तराखंड को यहाँ के धार्मिक स्थल और खूबसूरती की वजह से नहीं, बल्कि यहाँ पर होने वाले प्रदूषण की वजह से जाना जाएगा। हम आशा करते हैं कि उत्तराखंड की इस गंभीर समस्या को हम सब मिलकर के उखाड़ फेंकेंगे और अपने इस सुंदर पहाड़ी राज्य को हम अपने आने वाली पीढ़ियों को भी वैसा ही सौंपेंगे जैसा कि हमें हमारे पूर्वजों ने सौंपा था।